आज के वीडियो में हम बात करेंगे आउटर बैंक सीजन 4 एपिसोड 3, 4 एंड 5 के बारे में। तो एपिसोड 3, 4 एंड 5 में जो क्या क्या हुआ इसके बारे में जो बातचीत जो है करेंगे। वैसे तो काफ़ी कुछ हुआ पर जो जो मेन मेन पॉइंट है और जो मुझे याद है उन पॉइंट के बारे में जो है बातचीत जो है करेंगे। तो भाई हमें यही दिखाते हैं कि वो बंदा जो हमें एक शिप ढूंढने के लिए बोलता है, हमारे जो पूरी टीम है शिप को जो ढूंढ लेता है, शिप के अंदर जो एक लॉकेट वॉकेट होता है और फिर लॉकेट को ढूंढने के चक्कर में जो है दो पार्टी होती है। एक पार्टी जो हमारे जो मेन कैरेक्टर की होती है और दूसरी पार्टी जो होती है वो भी उस लॉकेट को जो ढूंढ ढूंढ रही होती है। अब जो हमारे जो मेन कैरेक्टर की टीम है उस लॉकेट को जो है ढूंढ ढूंढ लेती है। उसके बाद जो हमें दिखाते हैं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर की टीम है उस लॉकेट को जो है बंदे के पास जो है देने के लिए जा रही होती है और उनसे जो है ज़्यादा पैसे मांगने की जो है उनकी जो फिराक होती है। उसके बाद जो हमारे जो मेन कैरेक्टर जब लॉकेट के बंदे ने इन्हें जो काम वाम दिया होता है हमें पता लगता है कि वो बंदा जो मर चुका है। उसके बाद जो हम दिखाते हैं कि अब जो ये लोग होते हैं लॉकेट के बारे में जो पता लगाते हैं, लॉकेट में कुछ कोड वोड जो लिखे बोलते हैं। उसके बाद जो ये लोग जो है कोड जो है क्रैक करते हैं। उसके बाद जो कोड क्रैक करने के बाद जो इन्हें कुछ पता चलता है कि इन्हें जो वहाँ कहीं पर जो है जाना होता है, चार्लटन की कुछ जगह होती है उधर जो है जाना वाना होता है। उसके बाद जो हमारे जो मेन कैरेक्टर इनमें से एक बंदे को जो है पकड़ लिया होता है दूसरे टीम वाले ने और उसके जरिए जो है वो दूसरी टीम वाले जो है लॉकेट जो है हासिल वासिल कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो एक बंदे बंदे को मार देता है हमारे मेन कैरेक्टर के घर पर में। उसके बाद जो इनकी पूरी टीम जो है वो एक पुलिस वाला जो है पूछताछ करने जाता है, इसी के बीच जो है ये लोग जो है बॉडी को जो है छिपा छुपा देते हैं। ये सब जो है दिखाया गया जो हमारे जो मेन कैरेक्टर की टीम है ये जो है काम जो है बांट लेते हैं। देखिए कुछ लोग जो है लॉकेट का जो कोड है वो जो है क्रैक करने के लिए जाते हैं, जो दो कॉफिन जो है वो ढूंढना होता है। अब दो कॉफिन जो ढूंढने होते हैं उसके हिसाब से जो है इन्हें एक चर्च वर्च के तहखाने में जो है जाना पड़ता है। उसके बाद जो है तहखाना भी इन्हें जो है मिल जाता है। इसी तहखाने के अंदर जो है इधर ही जो है दूसरी टीम वाले जो आ जाते हैं। उसके बाद जो हमें दिखाते हैं कि हमारे मैन कैरेक्टर की टीम और ये जो दूसरी टीम है जो इसी लॉकेट की वजह से जो है इसी जगह पर जो आ गए। ये लोग दूसरी टीम वालों को जो है कुछ जो है स्क्रॉल टाइप का जो मिल जाता है। उसके बाद जो हमें दिखाते हैं कि दूसरी टीम वाले जो होते हैं तहखाने से जो है निकल जाते हैं। उसके बाद जो वो तहखाने को जो है बंद बंद कर देते हैं। अब जो हमारे मैन कैरेक्टर की टीम है वो तहखाने के अंदर जो है बंद बंद हो जाते हैं। जो पानी का लैप वाला वो जो होता है तहखाने के अंदर जो है बढ़ रहा होता है। अब जो हमारे मैन कैरेक्टर है वो जो है बार बार घूम रहा था दूसरी टीम वाले के ऊपर जो है बंदूक चलाने की फिराक में होता, पर जो हमारा जो मैन कैरेक्टर है वो अपने डैड जैसे जो है बनना नहीं चाहता, मतलब कि वो जो है लोगों पर जो बंदूक बंदूक जो है नहीं चलाता। तो यही सब जो हमें जो दिखाया गया था। दूसरी तरफ जो हमें यही दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो एक खत वत जो आता। अब जो हमारे मेन कैरेक्टर का एक दोस्त था जो कि बेवकूफ वाली हरकतें करता था, वो बंदा जो जिसे अपना डैड मानता था वो उसके डैड जो वो है नहीं, मतलब कि उसके डैड जो है वो कोई और है। तो यही सब जो हमें जो पार्ट 1 के जो एपिसोड 5 के जो एंड में जो हमें यही सब जो है पता लगता है। तो ओवरऑल जो पार्ट 1 की जो एंडिंग थी वो भी ठीक ठाक ही ओवरऑल जो मुझे तो मज़ा आया। बाकी तुम लोग बता सकते हो फिर तो देख के, बाकी तुम लोगों को क्या कहना है, तुम लोग इसे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, देखना देखो नहीं देखना मत देखो। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करना सब्सक्राइब।